हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अनिकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। मेरी वाइफ है सेजल और आज पहली बार वीडियो में मेरे साथ आई हुई है। और आज एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा था तो हम दोनों घूमने के लिए मून लेक पे आए हैं, जो कि सास्कातून से अराउंड 28 किलोमीटर की ड्राइव पे पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज अनिकेत ने बताया वैसे टेम्परेचर अच्छा हो गया है, तो टेम्परेचर आज का है 21। तो हमने सोच लिया कि चलो बाहर जाके कुछ घूम लेते हैं और हमारे व्यूवर्स को भी कुछ दिखा देते हैं कि सास्कातून में कौन सी जगह घूमने लायक है और कैसी दिखती है। तो बने रहे हमारे साथ रियल कैनेडियन लाइफ में। और दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मून लेक है वो कैसा दिखता है। और अभी टेम्परेचर 21 तक भी पहुँच गया है, लेकिन आप देख पाओगे कि जो स्नो है, जो आइस ये नदी के ऊपर, ये लेक के ऊपर जमी हुई है, ये अभी तक ऐसी की ऐसी ही है। मतलब कि पूरा जो आइस है वो अभी तक मेल्ट नहीं हुआ है। और ये काफ़ी शांत जगह है, यहाँ पर कोई लोग है भी नहीं। तो आप देखिए, और अभी यहाँ पर जो हवा है वो काफ़ी तेज़ चल रही है, अराउंड 40 और 50 किलोमीटर के आसपास हवा की स्पीड होगी। दोस्तों, वैसे तो ये जो मून लेक है, यहाँ पर प्राइवेट प्लेन, यहाँ पर जो सी प्लेन होता है ये पार्क किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पीछे ही गोल्फ क्लब है। तो गोल्फ क्लब का जो प्राइवेट प्लेन होता है, सी प्लेन होता है, उसको यहाँ पर पार्क किया जाता है। लेकिन अभी विंटर का टाइम था और अभी भी यहाँ पर लेक के ऊपर स्नो जमी हुई है, यहाँ पर अभी प्लेन पार्क नहीं किया है। जो व्यू है वो काफ़ी अमेजिंग है, आप देख सकते हैं। वहाँ पर हिल के ऊपर वो नीचे हाउस है। दोस्तों, आप सास्कातून से मून लेक कैसे आ सकते हैं ये आप साइड पे गूगल मैप्स में लोकेशन देख सकते हैं, कैसे ड्राइव कर सकते हैं ये रूट भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पर स्नो जस्ट अभी मेल्ट हुई है कुछ टाइम पहले, तो ये जो गोल्फ कोर्स के लोग हैं वो यहाँ पर अपने डॉग्स को घुमाने के लिए लेकर आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, वो आराम से टहल रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो ग्रास वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में गोल्फ कोर्ट है और यहाँ पर समर के टाइम में काफ़ी सारे लोग गोल्फ खेलने के लिए आते हैं। थोड़ी देर बाद यहां आकर पूरा गोल्फ कोर्ट एक्सप्लोर किया जाएगा। समर के टाइम में काफ़ी सारे लोग यहां पर गोल्फ खेलने के लिए, इसके अलावा यहां पर कॉटेजेस बनी है, यहां पर स्टे करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि ऐसी नेचुरल जगह सास्कातून में काफ़ी कम है, तो इसी जगह पर आना लोगों के लिए नेचुरल बात है। यहाँ पर जो गोल्फ क्लब है, तो गोल्फ क्लब का जो पूरा यहाँ पर गार्डन वगैरह है ये आप देख सकते हैं। ये पार्किंग है, काफ़ी यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर गोल्फ कोर्ट है और यहाँ पर ट्रेल बनी हुई है चलने के लिए। ये काफ़ी अच्छा ब्रिज है, उसके नीचे यहाँ पर पानी जा रहा है, काफ़ी अमेजिंग व्यू है। और ये पूरा जो ग्राउंड है गोल्फ कोर्ट का ही है, और यहाँ पर जो गोल्फ के अंदर ऐसी ऐसी प्लेस गड्ढे बनाए जाते हैं, तो ये वो है। और यहाँ पर एक दो नहीं, काफ़ी सारे ऐसे गड्ढे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। और काफ़ी अमेजिंग व्यू है, अभी यहाँ पर कोई लोग नहीं है।
अभी गोल्फ क्लब के भाई साहब अपनी गोल्फ कार्ट लेकर जा रहे थे और उनके पीछे अपने जो कुत्ते दौड़ के आ रहे थे वो डाइवर्ट होके हमारे पास आकर सुनने लगे कि भाई आप कौन हो, हमारी प्रॉपर्टी में आप क्या कर रहे हो। फिर उस भाई साहब ने हमको बताया कि उनको हाई बोलो, तो फिर उसके बाद वो कुत्ते वहाँ से चले गए। और ये गोल्फ कोर्ट के बीच में ही बनी हुई है छोटी सी रिवर, आप इसका पानी देख सकते हैं कितना साफ है। और अभी भी यहाँ पर आधी स्नो तो पड़ी हुई है। यहाँ से जाने के टाइम पे रास्ते में एक बड़ा सा फार्म आता है, तो ये फार्म के कुछ इक्विपमेंट्स आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर फार्म में लगे हुए हैं। और जो फार्म होते हैं ये भी बड़े बड़े साइज़ में होते हैं, किलोमीटर के हिसाब से इनका साइज़ होता है यहाँ पे। और यहाँ पर अपने जो केटल्स होते हैं उनको खिलाने के लिए फार्मर्स पूरा चारा ऐसे रोल बनाकर स्टोर कर लेते हैं ताकि पूरे साल के लिए उनको कोई परेशानी ना हो। दोस्तों अभी यहाँ पर जो सन का व्यू आ रहा है ये बिल्कुल ही इंटरस्टेलर मूवी के ब्लैक होल गार्गेंसिया जैसा ही आ रहा है। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे ब्लैक होल ऑफ इंटरस्टेलर मूवी तो आपको उसका जो पिक्चर है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये जो व्यू है वो काफ़ी उससे मिलता जुलता है, इसीलिए ये पार्ट आप ज़रूर देखिए एक बार। दोस्तों अभी नेक्स्ट वीडियो सास्काटून के पास में बेरी बान करके बेरी का फार्म है उसका आने वाला है। दोस्तों कनाडा की लाइफ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाकर मैंने अपनी चैनल के ऊपर पोस्ट किए हुए हैं, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहां से मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, साथ ही साथ ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।